अरे जितने भी अभी जो लोग आ रहे हैं ब्लड कैंप पर, जो कैंप पे हमारे ब्लड दे रहे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हमारे अकानी भाई ने जो है तो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और सारे रिटेलरों को एक जगह लाकर एकजुट कर आज ब्लड कैंप लिया गया है। आने वाले उनको मैं जाके पर्सनली मिल के बोलने वाला हूँ कि आइए, क्योंकि सब मेरे आजू बाजू में ही है शॉप वाले। महिलाओं को जो है ना हीमोग्लोबिन जो है HB का जो प्रमाण है ना कम रहता है, और उस वजह से वो आते भी नहीं है, या तो आए तो थोड़ा सा जितना चाहे उतने होते नहीं। औरंगाबाद न्यूज में आपका स्वागत है, और आज पैठन गेट पर हम मौजूद है जहां रक्तदान शिविर चल रहा है। तो जहां पर जो सर ने आयोजित प्रोग्राम किया है उनसे कुछ जानते हैं। सर आपका नाम बताइए और आपने जो रक्तदान शिविर रखा है उसका भी पूरा नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम हक्कानी है, मैं औरंगाबाद मोबाइल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और ये जो ब्लड कैंप जो रखा गया है ये ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन बोल के है, जो हमारे पूरे इंडिया में आज 17 तारीख के दिन इंडिया में हर ज़िले में हर तालुके में ये ब्लड कैंप लिया जा रहा है। आज हमारे आयमरा के जो भावेश सोलंकी है, आज उनका पुण्यतिथि है, उनके जो आज हमारे भावेश सोलंकी जो है इन्होंने ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन के लिए न्यू रखी थी। ऑल इंडिया उन्होंने जो है हमारा जो मोबाइल एसोसिएशन है जिसको उन्होंने उसको अब पूरे इंडिया में फैलाया है, आज वो दुनिया में नहीं है। आज उनके याद में हर साल हम ये ब्लड कैंप लगाते हैं और मोबाइल के माध्यम से हम सोशल वर्किंग करते हैं। और ब्लड देने का काम ये है कि भाई जनरली हर चीज़ खरीदी जा सकती, ब्लड नहीं खरीदे सकता, ब्लड दान देना चाहिए। तो हर नागरिक को इसकी जानकारी है और बढ़ चढ़ के लोग आते हैं, जब भी जो भी कैंप लगता है कैंप में लोग खुद होके आते हैं। और हम जैसे भी हमारा जो मोबाइल एसोसिएशन जो पूरे इंडिया में जो इतना फैला हुआ है, आज औरंगाबाद में तकरीबन हमारे जो भी 2.5 से 3 हज़ार के ऊपर हमारे शॉप है, लगभग उसमें काम करने वाले वर्कर्स और प्रमोटर्स और फाइनेंस कंपनी, ये सब लोगों ने हमको आज जो है साथ दी है। और औरंगाबाद में हमने 4 कैंप लगाया है, एक तो पैठन गेट, दूसरे नंबर पे कैंडोड मार्केट है, फिर पुंडलिक नगर का है, वाड़ूज में है, वैसे तालुका प्लेसों में भी अभी लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से भी बात हुई मगर अभी वो ठिकान मेरे को नहीं मालूम कभी कौन सी जगह पे चालू किया करके। मगर इस तरीके से सोशल वर्किंग हमारे पास होती रहती है। तो अरे जितने भी अभी जो लोग आ रहे हैं ब्लड कैंप पर, जो कैंप पे हमारे ब्लड दे रहे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी के लोगों भी जो आएंगे भाई, उनका भी लिए हम आह्वान करेंगे कि भाई ब्लड देना अच्छी बात है और दीजिए, और खून देने से सामने वाले की जान बचती है और खुद का खून भी फ्री होता है और खुद भी सेहतमंद रहते हैं, ऐसी मेरी इच्छा है। हकानी साहब आपने बताया कि ये जो रक्तदान शिविर 4 जगह पे औरंगाबाद शहर में चल रहा है, तो ये एक दिन का है या और आगे भी चलता रहेगा, उस बारे में दर्शकों को बताइए। नहीं, हमारे पास जो है साल में एक बार लिया जाता है, और ब्लड कैंप में जो है लगभग एक ही दिन में होता है, सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक या 5 बजे तक। तो कुछ कुछ सेंटर 6 बजे है, कुछ कुछ सेंटर 5 बजे तक है। तो जनरली हर साल में एक बार होता है और आज ही है, और उसके बाद में कल वगैरह नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शेख सलीम साहब, उनसे भी कुछ जानते हैं। सलीम भाई, पैठन गेट पे आपके भी मोबाइल के कारोबार है और आप भी इससे जुड़े हुए हैं, तो आप मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से यहाँ की जनता को और यहाँ के लोगों को क्या आह्वान करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारे पास और पैठन गेट के अंदर पैठन गेट रिटेल मोबाइल मार्केट के तरफ से आज पहली बार हमने ब्लड कैंप लिया यहाँ पे, दूसरी बार, लेकिन हमारे अकानी भाई ने जो है तो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और सारे रिटेलरों को एक जगह लाकर एकजुट कर आज ब्लड कैंप लिया गया है। मैं हमारे पूरे रिटेलरों से ये आह्वान का विनंती करता हूँ कि वो आके अपना ब्लड दे, क्योंकि ब्लड देना अपने बॉडी के लिए सबसे पहले तो ये फ़ायदेमंद है कि अगर आज हम ब्लड देते तो हमारी सारी बीमारियाँ भी उससे ख़त्म होती है, और लोगों को किसी भी समाज का इंसान रहो उसको अपना ब्लड काम आता है, चाहे ऐसा नहीं है कि अपने लोगों के लिए है। तो एक ये सेकुलरिज्म का एक मैसेज जाता है, मेरा बोलना ऐसा है कि हमने इस मार्केट के अंदर एक सेकुलरिज्म के लिए एक मैसेज पहुँचाए है। आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग अभी नहीं आए हैं उन्होंने भी आना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ एक भाई ब्लड डोनेशन रक्तदान दे रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। सर आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हो? मेरा
मैं शुभम अन्ना साहब गाड़ेकर, मैं बजाज फाइनेंस से हूँ, बजाज अपना। बजाज फाइनेंस के एम्प्लॉय को आप क्या आह्वान करेंगे कि यहाँ आकर ब्लड डोनेशन का रक्तदान कीजिए? एक्चुअली मेरी पूरी टीम आ चुकी है, बॉस 10 दिन 10 बंदों की टीम है मेरी, उन्होंने दिया है अभी, कुछ दे रहे, कुछ सोच रहे हैं अभी देने का। ओके, मैं तो यही आह्वान करूँगा कि ब्लड डोनेशन बोले तो अच्छा है करना, ब्लड डोनेशन होता है और ज़रूरतमंद को भी इसका फ़ायदा होता है बॉस। हमारे साथ में एक और एक डोनर है जिसने अभी रक्तदान किया है। सर आपका नाम बताइए और आपने ये पहली मर्तबा दिया है रक्तदान किया है या इसके पहले भी किया था, उस बारे में दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है भूषण सुरेश पवार, मैंने अभी तक 4 से 5 बार रक्तदान किया है। तो रक्तदान ये एकदम श्रेष्ठ दान है। अब कल परसों ही मेरे को एक जन का मैसेज आया नागपुर में मेरे को ब्लड होना करके, बट मैंने नांदेड़ का था वो पर्सन, उसको ब्लड होना नागपुर में, तो मैंने मेरे रिलेटिव को बोला और उसको हेल्प कर दिया, तो रक्तदान अच्छा है। आप नौजवानों से क्या आह्वान करेंगे कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले जो शिविर चालू है यहाँ पर? नहीं, वही बोलूँगा सर, हमारे यहाँ पूरी टीम है बजाज फाइनेंस की, उनको बोल रहे हैं कि रक्तदान किया तो किसी का तभी जान बच सकती है, अच्छा है वो, 3 महीने के बाद और करना चाहिए। अच्छा सर, ये जो रक्तदान शिविर है ये कितने बजे से चालू हुआ और कितने बजे तक रहेगा, दर्शकों को बताइए। हाँ, अभी ये रक्तदान शिविर 10 बजे से चालू हुआ है और 5 बजे तक चालू रहेगा। अभी अच्छा रिस्पांस है, लोग आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। सर कुछ लोगों में गलत समझ होती है कि ज़्यादातर पुरुष ही रक्तदान करते हैं, महिलाएं कम तादाद में आती है, तो महिलाओं के समझ के लिए आप उनको क्या बताएंगे मेडिकल लाइन से? हाँ, एक्चुअली महिलाओं को जो है ना हीमोग्लोबिन जो है HB का जो प्रमाण है ना कम रहता है, और उस वजह से वो आते भी नहीं है, या तो आए तो थोड़ा सा जितना चाहे उतने होते नहीं। पुरुष के हिसाब से महिला को हीमोग्लोबिन कम रहता है, इसलिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजा बहु चौहान, लोकमान्य ब्लड बैंक। और एक सज्जन है जो अभी रक्तदान कर रहे हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं। सर आपका नाम बोलिए, और आपने इससे पहले भी रक्तदान किया था या पहली मर्तबा आप रक्तदान दे रहे हैं? नहीं, रक्तदान मैंने बहुत बार किया हूँ, हर 3 महीने में मैं करते रहता हूँ। इसके फायदे तो बहुत सारे, आप गूगल बापा पे देख लेना, और आना चाहिए। जहाँ पे भी कैंप रहता है मैं दे देता हूँ, जरूरी नहीं है मोबाइल एसोसिएशन का, मैं जहाँ पे भी कैंप रहता है 3 महीने के बाद मैं मेरे खुद से जाके ब्लड डोनेट करता हूँ। मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मोबाइल यूनियन का मैं भी, एक छोटी सी दुकान है मेरा पैटर्न गेट पे, रॉक्सी टॉकीज के सामने, मोबाइल क्लिनिक नाम से। आप पैटर्न गेट के जितने भी मोबाइल एसोसिएशन या दुकानदार है उनको क्या आह्वान करेंगे कि यहाँ रक्तदान में आकर हिस्सा ले? वो सभी लोग आने वाले हैं, उनका एक सुबह सुबह कैसा है आरती वगैरह करके वो लोग आने वाले हैं, उनको सबको मैसेज ग्रुप में, हमारे ग्रुप में मैसेज आया, वो सब आने वाले हैं। और जो नहीं आने वाले हैं उनको मैं जाके पर्सनली मिलके बोलने वाला हूँ कि आइए, क्योंकि सब मेरे आजू बाजू में ही है शॉप वाले, तो आना चाहिए सबने। अभी हमने पैठन गेट पर रक्तदान शिविर पर जहाँ मोबाइल एसोसिएशन के हकानी साहब से पूरी तफसीली जानकारी लिए, और उन्होंने बताया कि जहाँ पर जितने भी मोबाइल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ आए और रक्तदान शिविर में एक हिस्सा बने। आज मानवता के लिए, आज इंसानियत के नाम पर आज रक्तदान की बहुत ज़रूरत है, और औरंगाबाद में 4 शिविर चालू है। सर ने आह्वान किया है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और रक्तदान शिविर में हिस्सा ले। ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही खबरें जानने के लिए देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। मैं इब्राहिम शेख।